अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज दिस इज LC80 लैंड क्रूजर की सीरीज, इसको पाकिस्तानी ज़बान में क्रूजिंग भी बोलते हैं, और इसका हम स्नॉर्कल इंस्टॉल करेंगे। उसका बेस्ट तरीके इंस्टॉल करने के लिए गेट इट सेल्फ अ कार्डबोर्ड जो नीचे हमारा पड़ा हुआ है, और उसको हम पहले लेंगे एज फॉर अ डायट, मतलब उसमें हम एक रफ़ सा स्केच बना लेंगे कि हमें कहाँ पर कौन सा होल चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो उसको करके फिर हम उसको यहाँ पे अलाइन करेंगे। वंस एवरीथिंग इज अलाइंड ओवर हियर, हम यहाँ पे अलाइन करने के बाद होल्स ड्रिल करेंगे। होल्स ड्रिल करने के बाद सिलिकॉन और लाकर इस्तेमाल करेंगे ताकि रास्ता ना लगे और पानी दोबारा अंदर सीप करके ना जाए। इसका कोई राउंड अबाउट इस जगह पे एक सुराख आएगा जो कि स्ट्रेट अवे अंदर जाएगा आपके एयर इंटेक में, और आपका एयर इंटेक फिर उधर ऊपर आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि इफ़ यू आर गोइंग इन अ रिवर और समथिंग, तो अगर जो आपकी जीप को यहाँ तक पानी आ गया तो ये बंद नहीं होगी, इसको ऊपर से हवा आती रहेगी और ये चलती रहेगी। दिस स्पेसिफिक लैंड क्रूजर ऑफ माइन, इसका ये है कि मैंने इसमें आयरन मैन का टैग लगाया हुआ है, आयरन मैन की वो सारी ऑनिंग है, ठीक है। इसमें बी एफ गुडरिच के KO2 टायर्स हैं ऑल टेरेन, और उसके अलावा ये इसकी मोरीमोटो की DRLs हैं, और ये इसकी किंग्स की फ्रंट लाइट्स हैं, इसके ऊपर ये कवर लगे हुए हैं, ठीक है। इनको अगर आप उतार रहे तो ये इस तरह की है, सुपर ब्राइट, बहुत अच्छी हैं। उसके बाद ये एक LED बार है, ये मैंने अभी अभी रिसेंटली एक्वायर की है, और फिर उसके बाद ये तो काफ़ी पहले की लगी हुई है, ये भी रिसेंटली लगा है, और ये जो है ओवरऑल लुक है इस SUV की। इस गाड़ी का सिर्फ एक बोनट जो है रीस्प्रेड है, जो खुद करवाया था, उसके अलावा इसमें कोई रीस्प्रेड नहीं आ सच। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसमें 2-3 चीज़ें इसकी और भी आई हुई हैं आयरन मैन की, वो भी इस पर लगेंगी और फिर कंप्लीट हो जाएगी। सो नाउ अभी सबसे पहले मैं जो हमारा मेन इसका होता है, जहाँ इस पर पाइप लगा होता है, दैट इज़ दिस प्लेस, इसका मैं एक सर्कल यहाँ पे बना दूँगा। वंस दैट इज़ डन, फिर बाकी हम सारे जो यहाँ यहाँ पे ड्रिल्स करने हैं, होल्स करने हैं, वो हम कर लेंगे उस तरह।